सबको ये बताने वाला हूँ मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसका लाभ कैसे मिलेगा, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कोरोना महामारी के वक्त हमारे देश ने अपने सबसे बुरे दौर को देखा है। इस महामारी के कारण ना जाने कितने बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, जिसकी कमी उनके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार उन अनाथ हुए बच्चे को उज्ज्वला भविष्य के लिए समय समय पर कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत करती रहती है, ताकि उन्हें जीवन में आर्थिक दाग सामना न करना पड़े। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी अनाथ बच्चों को राज्य सरकार तरफ से आर्थिक श्रेणी व्यवसायिक एवं शिक्षालय सहायता प्रदान की जाएगी। तो आज की वीडियो में हम आपको मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देने वाले हैं, ताकि आप भी इस योजना का लाभ उठा सके। तो दोस्तों जैसे कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत दान की जाने वाली राशि, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना दो भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के अनाथ बच्चों को लाभित किया जाएगा। आगे हम आपको इसके दो भागों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पोर्टल है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं आफ्टर केयर, ठीक है, ये फर्स्ट है और आपको स्पॉन्सरशिप जो है ये दूसरा है। आपको दो भागों में ये बांटा गया है। तो सबसे पहले जैसे कि दूसरा सबसे पहले आफ्टर केयर योजना, तो इसमें आप इसके लिए इसके अंतर्गत उन अनाथ बच्चों को लाभ प्रदान किया जाएगा जो बाल शिक्षा संस्थानों से 18 वर्ष की आयु के बाद अपने आगे के जीवन यापन के लिए निकलते हैं, ठीक है। राज्य सरकार की तरफ से उन बच्चों को प्रतिष्ठित संस्थान और जैसे स्थानों पर इंटर्नशिप करवा कर उसी संस्थान में नौकरी दिलाई जाएगी। इसके साथ ही साथ उन्हें एक साल की अवधि तक या फिर इंटर्नशिप की अवधि तक प्रति महीने 5,000 रुपये की आर्थिक मदद राशि प्रदान की जाएगी। इसमें चौथा नंबर ये, इसके अलावा उन्हें डिप्लोमा, आईटीआई, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट जैसे इसमें व्यावसायिक परीक्षा संबोधित विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके दौरान 2 वर्षों या व्यावसायिक परीक्षा की अवधि तक भी उन्हें प्रति महीने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही इसी योजना के अंतर्गत जो भी बच्चे प्रति परीक्षाओं में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें प्रति महीने 5,000 से 8,000 रुपये की आर्थिक मदद राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 24 साल तक बच्चों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद राशि प्रदान की जाएगी। तो इस स्पॉन्सरशिप दूसरा ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं योजना के दो भागों में, तो यहाँ पर दूसरा ये है इस योजना के अंतर्गत उन अनाथ बच्चों को लाभ प्रदान किया जाएगा जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे कम की है। इस योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके माता पिता को गुजरने के बाद उनकी देखभाल स्वयं जिसे संबोधित परिवार और शिक्षक के द्वारा की जा रही है। इस योजना के माध्यम से उन बच्चों को प्रति महीने 4,000 रुपये की अधिक मदद राशि प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि ये राशि धनराशि बच्चों को के देखरेख करने वाले संबोधित या शिक्षक संयुक्त बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना के द्वारा मिलने वाली राशि को पूरे 1 साल तक प्रदान किया जाएगा और अगर बच्चे ये पारिवारिक स्थिति में सुधार नहीं होता है तो जरूरत के अनुसार इस समय सीमा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों को शिक्षालय जैसे सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिसके के लिए बच्चों को आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से मिलने वाले सहायता राशि का लाभ बच्चों केवल 18 वर्ष तक ही प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो यही है इसका उद्देश्य, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद पहुंचाना, ताकि वे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। इस योजना के द्वारा अनाथ बच्चों को अपना भविष्य उजाला बनाने का मौका मिलेगा,
सरकार तरफ से मिलने वाली मदद राशि से बच्चों को जीवन निर्वाह के शिक्षा के लिए अधिक आगे सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये है और इसका जो लाभ है आप देख सकते हैं, जैसे कि इसका जो लाभ है इसमें इस योजना के द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों को प्रति महीने अधिक मदद राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस योजना के लाभार्थी बच्चों को शिष्यालय जैसी सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत बच्चों को स्मार्ट कार्ड भी बनाया जाएगा। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को और आर्थिक सहायता जैसे शैक्षिक शिष्यालय और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बाल गृह छोड़ने वाले 18 वर्ष के आयु अधिक उम्र के बच्चों को 5000 रुपये प्रति महीने की मदद की राशि प्रदान की जाएगी। उन्हें एक साल की अवधि तक या फिर इंटर्नशिप की अवधि तक ये राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित शिक्षक के साथ जीवन निर्वाह कर रहे हैं और अनाथ बच्चों को प्रति महीने 4000 रुपये की अधिक मदद प्रदान की जाएगी। इस योजना के द्वारा प्राप्त राशि को पूरे एक वर्ष तक प्रदान किया जाएगा और आगे अगर बच्चे या पारिवारिक की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आता है तो उसकी अवधि को भी आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो ये है दोस्तों, और इसमें आपका पात्रता की बात करें तो आप मध्य प्रदेश के निवासी होना चाहिए और जैसे कि बच्चे का माता पिता का निधन होना हो गया है उसका, ठीक है, तो इसमें इस योजना केवल वही बच्चे पात्र होंगे जिसके माता पिता का निधन हो गया है। तो इसका जो फॉर्म है, फॉर्म की बात कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर टाइप करेंगे मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना तो आपको इस तरह से पोर्टल मिलेगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको फॉर्म के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, ऑफलाइन जो प्रोसेस होता है इसमें आप अपने जैसे कि महिला बाल विकास विभाग या अपना आंगनबाड़ी जो नजदीकी केंद्र होता है आंगनबाड़ी सहायता केंद्र वापस आपको जाना है और वापस आंगनबाड़ी जो मैडम से बात करना है, आपको जानकारी लेना है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के बारे में और आप जानकारी लेने के बाद आप उस फॉर्म को भरना है, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट लगेगा आपका बच्चे का आधार कार्ड और जिसके आधार वोटर आई डी कार्ड है वोटर आई डी कार्ड नहीं है तो आपको राशन कार्ड देना है, जन्म प्रमाण पत्र देना है और बच्चे का माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट जिसे उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बोलते हैं और उसका मृत्यु जिसका मृत्यु हो चुका है उसका आधार कार्ड और उसके माता पिता का आय प्रमाण पत्र आपको जमा करना है, जिसे तहसील से आपको पटवारी बनवा लेना है, बच्चे का स्कूल का प्रमाण पत्र यानी अनुसूची और अधिक का ज्वाइंट फोटो, ठीक है, और जैसे कि अभी तक की सरकारी अस्पताल से जारी मेडिकल स्टोर मतलब मेडिकल रिपोर्ट, उसके बाद का पुलिस वेरिफिकेशन और शपथ पत्र और उसके बाद अभी का बैंक अकाउंट, ठीक है, ये सभी चीज आपको यहाँ पर जमा करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म जमा करने के बाद फॉर्म भरने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसको आप वापस अपने घर बैठे भी चेक कर सकते हैं वापस आने के बाद, ठीक है, आवेदन की जिसके इस पोर्टल में आने के बाद आवेदन की स्थिति जानने हेतु यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, आपके फॉर्म कंप्लीट है या नहीं ये सभी डिटेल आप यहाँ से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।